आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक, BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मैं शेर के साथ अपनी तकरीर को मुख्तसर खत्म करता हूं। खुदा करे हम में प्यार के रिश्ते कायम रहे। क्या बात, अगर टूट गए हो जाएंगे हम धर्म भरम, ना समझो तो मिट जाएंगे। ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। जय ये मुल्क किसी एक मजहब के मानने वाले का नहीं, ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। और इस मुल्क में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की जान ली गई, अगर कुर्बानी जिन लोगों ने अपने मुल्क के लिए चढ़े हैं, तो मैं समझूंगा उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहले नाम मुसलमानों का लिया जाता है। यानी हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानों का निसार किया था। इस बात का खुला सबूत अगर आप देखना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की मशहूर इंडिया के पर जिन जिन लोगों ने अपने मुल्क के लिए जाने दी, अगर मैं कहूंगा सबसे ज्यादा अगर किसी कौम किसी मजहब का नाम अगर वहां लिखा है तो वो मुसलमानों का। तो मैं समझूंगा मेरे यहाँ पर कई बहने और मेरे घने बुने भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन तमाम को यही याद दिलाना चाहता हूँ। इस मुल्क में हम ये सोच कर चलना है कि हमको इस मुल्क में बराबरी का हिस्सा लेना है और डट कर इस मुल्क में हर ऐसे शुरूर का हमको मुकाबला करना है। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये मुल्क सबका मुल्क है। इस मुल्क के लिए हमारे आबा अजदाद ने ना सिर्फ अपनी जान माल हर चीज की कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए। अभी शमशुद्दीन साहब कह रहे थे और मैं भी और आप तमाम भी जानते हैं 1857 में अगर सबसे पहले इस मुल्क की अगर आजादी का बेड़ा उठाने वालों का नाम लिया जाता है, बहादुर शाह जफर का नाम लिया जाता है। आप सभी हजरात इस बात से भी वाकिफ होंगे आज भी इस मुल्क में मुस्तकबिल को संवारने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क के नाम को रोशन करने के लिए हमारे बड़े बड़े यानी स्पोर्ट्स मैन हो, फिल्मी एक्टर हो, या मैं समझूंगा APJ अब्दुल कलाम साहब का भी नाम ऐसे उस पर लिया जाता है, सानिया मिर्जा है, लड़कियां भी इस मुल्क की आजादी में आज भी अपने मुल्क का नाम रक्षक करने में बहुत बड़ा बड़ा नाम। मैं समझूंगा इन तमाम चीजों को, क्योंकि आज हमें ये चीज याद रखने की जरूरत है। आज जो हम बाहर हमारे मदरसे के बाहर जो झंडा चढ़ाए हैं, जो परचम कुशाई अंजाम की गई, वो हमारे मुल्क की यौम जमहूरिया जिसे रिपब्लिक डे कहते हैं, वो 73वीं हमने मनाया है। 73वीं यौम जमहूरिया को हमने मनाया है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों तक जब तक हमारी जानी रही हमारी नस्लें रही, इंशाल्लाह हम हमारे मुल्क की आजादी यानी यौम आजादी भी मनाएंगे और यौम जमहूरिया भी मनाएंगे। और मैं जामे के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जामे ना सिर्फ इस मुल्क में आई, यानी मैं समझूंगा कि अगर बच्चों का स्कूली सिलेबस का मसला हुआ तो जामे का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा है। जामे हर तरीके से हुकूमत के बराबर सिलेबस में अगर कुछ चीजों को शामिल किया जाता है, जामे ने न सिर्फ मरकज से नुमाइंदगी की बल्कि स्टेट वगैरह मरकज से भी नुमाइंदगी की। सिलेबस में भी अगर जाफरान परचम अगर हमारी निशानियां को लेता रहा है तो जामे का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। जामे ने इसके लिए भी हुकूमतों से नुमाइंदगी की और जितना हो सके हुकूमत को दबा कर अपनी बात को मतवाने की कोशिश की। मैं जामे के तलबा हमारा सारे
एक मिनट मिनट भाई, आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा तो शहीद हुए उनकी, जरा याद करो कुर्बानी, ए मेरे वतन के लोग, सलाम भर दो पानी, तो शहीद हुए उनकी, जरा याद करो कुर्बानी, जब घायल हुए तक थी सांस डरी हो, जब तक थी सांस डरी हो, फिर अपनी दास बिछा दी, सतगीत पे धर कर माता, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए उनकी जरा। यौमे जमहूरिया के मौके पर तमाम का मकदम करता हूँ और जामे को मुबारकबाद देता हूँ। जामे ने मुल्क की आजादी के जो लम्हात थे, जो वक्त गुजरा, यानी मुल्क की आजादी में जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उनकी याद को ताजा करने के लिए और जमहूरियत इस तरीके से इस मुल्क में आई, उसकी यादगार को भी मनाने के लिए जामे ने जो रोल अदा किया, मैं जामे के तमाम जिम्मेदारों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, क्योंकि ये मुल्क सबका मुल्क है और हम सबको भी चाहिए कि मुल्क के हर जश्न में हम पार्टिसिपेट करें, हर जश्न में शामिल हों, क्योंकि इससे हमारे मुल्क के यानी आईन का हमें पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पता चलता है और इंडिपेंडेंस डे किसे कहा जाता है या रिपब्लिक डे किसे कहा जाता है, ये तमाम हमारे मदरसे के बच्चों को भी मालूम होंगे और मुल्क में इसी से पीछे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी लोगों की जिम्मेदारी निभाना ये सब हम सब इस मुल्क के जो शहरी है हम सबका काम है, क्योंकि मुल्क के जो जैसे कि हमारे मुल्क के सिर्फ दो बड़े मैं कहूंगा इसमें हमारा एक नेशनल फेस्टिवल कहूंगा, क्योंकि ये ऐसा फेस्टिवल है हमारे मुल्क का जहां पर हर मजहब का मानने वाला इसको अपनी अपनी जगह अपने अपने अंदाज में अपने अपने तरीके से इसको यानी मनाता है, जो यानी हमारे मुल्क का इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, इसीलिए जामे न सिर्फ जामे बल्कि हमारे मुल्क में बड़े बड़े मदरसों पर, बड़े बड़े तकरीबन असलाओं में मस्जिद पर, मस्जिद के पास भी झंडे लहराए जाते हैं, हमारे मुल्क के परचम पर लहराकर परचम को शहीद जाती जाती है। मैं जामे का बेहद मफरूम मशकूर हूँ और आपको इस बात को बता दूँ, अभी आपने शमशुद्दीन साहब को सुन रहे थे जो हमारे हाईकोर्ट के जुडिशल ऑफिसर थे, क्योंकि मैं खुद भी उन्हें बेहतर तरीके से जानता हूँ, जिस अंदाज में वो बता रहे थे किन किन उलमाए कराम ने इस मुल्क के लिए हमारी जान दी है, ये मुल्क किसी एक मजहब के मानने वालों का नहीं, ये मुल्क जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क अगर सबसे ज्यादा अगर किसी की जान दी गई, अगर कुर्बानी जिन लोगों ने अपने मुल्क के लिए चढ़े हैं, तो मैं समझूंगा उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहले नाम मुसलमानों का लिया जाता है, यानी हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानों का निसार किया था। इस बात का खुला सबूत अगर आप देखना चाहते हैं तो हिंदुस्तान के मशहूर इंडिया के तहत जहां पर जिन जिन लोगों ने अपने मुल्क के लिए जाने दी, अगर मैं कहूंगा सबसे ज्यादा अगर किसी कौम किसी मजहब का नाम अगर वहां लिखा है तो मुसलमानों का,
तो मैं समझूंगा मेरे मेरे यहाँ पर कई बहने और मेरे घने बुने भाई यहाँ पर बैठे हैं, मैं उन तमाम को यही याद दिलाना चाहता हूँ, इस मुल्क में हम ये सोच कर चलना है कि हमको इस मुल्क में बराबरी का हिस्सा लेना है और डट कर इस मुल्क में हर ऐसे शुरूर का हमको जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय नासर भाई के पास जाएंगे होगा आपको।